Campaign to get certain noises allowed. It's a poem. Oh no, I gasp. Oh no, no, no. Everyone looks at me. I have just made a very loud noise in a library. Now, this is a real problem, which should be discussed. In libraries, stark silent rules or the staff get first. Oh, I gasp. तो मैं जोर का एक आवाज़ बनाता है, सब लोग मेरी तरफ देखता है। इसीलिए लोग मेरी तरफ देखता है क्योंकि मैंने लाइब्रेरी के अंदर इस तरीके का जोरदार आवाज़ बनाए थे। अभी ये एक रियल प्रॉब्लम है जिसको हम डिस्कस करना चाहिए। लाइब्रेरी में एकदम साइलेंस रहता है। अगर हम साइलेंट नहीं रहता तो उधर के स्टाफ नाराज हो जाएंगे। बट आई लाइक बुक्स ऑफ हाई एडवेंचर। लेकिन मुझे उस तरीके का किताबें पसंद है जिसमें खूब सारा एडवेंचर होता है। तब मैं आश्चर्य हो जाता है, इस तरीके का आवाज़ बनाना पड़ता है। सम आर रियली स्केरी। कुछ किताबें ऐसे है बहुत डरावना होता है। एंड माई सिस लाइक्स गर्ली बुक्स। लेकिन मेरी बहन को लड़कियों वाली किताबें पसंद है। दे ऑफन स्टार ए फेरी। आमतौर पे उसकी कहानियों में कुछ परियां वगैरह होता है, परियों की कहानी होता है। आमतौर पे लड़कियों को परियों की कहानी बहुत पसंद है। माई बुक्स ऑफन मेक मी गैस्प। मेरा किताबें मेरे को बहुत आश्चर्य करता है या बहुत डरावना होता है। मैं ज़ोरदार आवाज़ बनाने के लिए मजबूर हो जाता है। विल द हीरो डाई। मैं सोचता यार हीरो मर जाएगा क्या। हर बुक्स ब्रिंग्स ए ड्रीमी मूड। लेकिन उसकी किताब है ये एक सपने में जाने वाला एक किताब होता है। सपने का मूड क्रिएट करता है। शी कांट हेल्प बट साई। वो कुछ नहीं कर सकता है, लंबी सांसें ले सकती है। डैड हैज़ गॉट ए सेंस ऑफ ह्यूमर। पिताजी क्या होता है, थोड़ा मजाकिया किस्म का आदमी है। उनको ह्यूमर बहुत पसंद है। विच ही शोज ऑफ प्राउडली। वो दिखावे भी करता है। जो ह्यूमरस कहानी वगैरह पढ़ लिया तो जोर जोर से हंसता है वो। ही पिक्स बुक्स दैट मेक हिम लाफ। वो उस तरीके की कहानी ढूंढता है या किताबें ढूंढता है जो उसको हंसने के लिए मजबूर करता है। एंड सिट्स देयर स्नॉटिंग लाउडली। और उसको पढ़ के जोर जोर से हंसता है। मदर लाइक्स हर स्टोरी सैड। मम्मी क्या है, दुख भरी कहानी बहुत पसंद है। मोस्ट आर रैदर डीप। बहुत गहरे होता है। शी इज ओनली हैप्पी व्हेन शी हर रीडिंग मेक्स हर वीप। वो जब भी खुश होती है जब उसकी कहानी जब पढ़ने के बाद उसको जोर जोर से रोना आता है तब जाके वो खुश होती है। एनी वेयर यू चूज इट टू सिट यू विल फाइंड यू आर एबल टू हियर ए लॉट ऑफ डिफरेंट साउंड फ्रॉम आवर फैमिली टेबल। अगर आप लाइब्रेरी के किसी भी कोने पे बैठो लेकिन हमारे टेबल से आप कोई ना कोई तरीके का आवाज़ सुनाई देगा आपको। माई गैस्प। मैं तो गैस्प करता है, मेरे सिस्टर सही करती है। डैड्स लाव्स। डैड हंसता है। मम्स क्राइज। मम्मी की रोने की आवाज़। इफ़ दिस हैपेंस वाइल यू आर देयर। अगर आप जब लाइब्रेरी में होता है तब आप ये आवाज़ें सुनाई दिया। प्लीज़ डोंट मेक ए फस। आप नाराज मत होना। पिक योर सेल्फ ए बुक एंड देन। आप भी एक किताबें उठा लो। डू जॉइन अस। हमारे साथ आ जाओ। एंड ट्राइंग टू मेक ए रैकेट स्क्रैपिंग द चेयर ऑन द फ्लोर व्हेन यू सिट डाउन। लेकिन आप जो बैठते वक्त चेयर की आवाज़ मत करना। दिस इज ए लाइब्रेरी यू नो। आपको पता है ना ये लाइब्रेरी है। That's all. If you like this poem, please subscribe to my channel and comment. Thank you.